अरे आचार्य जी आप आ गए, मेरे पुत्र रघु की कुछ सूचना मिली। सावित्री मुझे खेद है, मैंने जो तुम्हारे पुत्र के विषय में बताया था वो असत्य निकला। तुम्हारा पुत्र किसी भी नगर में धन कमाने नहीं गया है। धन कमाने नहीं गया तो फिर मेरा पुत्र गया कहाँ? मृत्यु के मुख में जा चुका। नहीं, मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता। रघु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुत्र आचार्य जी कह दीजिए क्या आप असत्य कह रहे हैं। सावित्री यही सत्य है, आचार्य जी आपको कैसे ज्ञात हुआ कि इनका पुत्र मृत है? ये देख रहे हैं आप, वो एक नरभक्ष सिंह है। मैंने सावित्री के पुत्र के शव को उसी के पास देखा था। किंतु उसके समीप जाते ही उसने मुझ पर भी आघात किया और इसके पुत्र के शव को लेकर भाग गया। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शेष बालकों के शवों को भी उस सिंह ने। उसने तो अभी संसार में कुछ देखा भी नहीं। जिस प्रकार उस सिंह ने मेरे भ्राता का वध किया उसी तरह मैं भी उसका वध करके रहूंगा माता। नहीं पुत्र, रुक जा, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? नहीं माता, उस सिंह ने मेरे भाई को मारा है, मैं भी उसका वध करके ही रहूंगा। आप छोड़ दीजिए मुझे। रुक जाओ बालक, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बालक उस सिंह ने जो किया है उसका दंड उसे अवश्य मिलना चाहिए। किंतु इस समय अपनी माता की बात सुनकर शांत हो जाओ। देखो तुम्हारे भ्राता की मृत्यु का कितना दुख पहुंचा है। इस समय तुम्हें इनसे दूर नहीं इनके समीप होना चाहिए। माता आप मत रोइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही हूं। आचार्य क्या आपने उस सिंह को स्वयं देखा था? हाँ, उस नरभक्षी सिंह को मैं कदापि नहीं भूल सकता। तो आप मुझे उसके हाव भाव या उसके व्यवहारों के बारे में कुछ बता सकते हैं? कदाचित मैं अनुमान लगा सकता हूं कि वो इस क्षेत्र का था या अन्य गांव से आया था। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे उस सिंह को अभी जाकर पकड़ लेंगे। हमारे प्रभु चाहे ना इन सिंहों को ना मूषक बना सकते हैं और आप उन्हें पकड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ये दोनों ही निरे मूर्ख लग रहे हैं जो कदाचित कहीं से भटकते भटकते इस गांव में आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, इनके लिए मैं एक और झूठी कहानी गढ़ ही देता हूं। कदाचित आप कुछ मनन कर रहे हैं आचार्य जी? हाँ, स्मरण आया मुझे।
तो सुनिए, मैं वन के मार्ग से जा ही रहा था कि अकस्मात मुझे वो सिंह दिखाई दिया। उसने सावित्री के पुत्र को भूमि पर अपने पंजों से दबा रखा था। वो सिंह कुछ अशांत और क्रोधित था। मैं वो दृश्य देखकर थोड़ा भयभीत हुआ, किंतु फिर मैंने थोड़ा साहस जुटाया और वृक्ष की एक टहनी उठाकर उसे शव से दूर भगाने का प्रयास करने लगा। हा, हा। ओ, मेरी डिब्बी गिर गई। अरे वाह, इतनी सुंदर डिब्बिया। यदि ये डिबिया खुल गई तो वो बालक भी बाहर आ जाएगा जो इसमें बंद है, और यदि ऐसा हुआ तो सबके समक्ष मेरा भेद खुलना निश्चित है। रुक जाओ बालक, इसे खोलने का प्रयास मत करो। लाओ आचार्य जी, ऐसा क्या है इस डिबिया में जो आप बालक को खोलने नहीं देते? यदि ये बालक इस डिबिया को खोल देता तो अभी इसके प्राण संकट में आ जाते, क्योंकि इसमें एक विषधर बिच्छू है। विषधर बिच्छू आचार्य की कुटिया में क्या कर रही है? वो एक उद्दंड शिष्य इसे वन से उठाकर कक्षा में ले आया था। मैं इसे मुक्त करने ही वाला था, अभी जाकर कर देता हूं। हमारे पुत्र तो अब रहे नहीं, कम से कम कोई उनकी अस्थियां तो ला दो ताकि हम उनका क्रियाक्रम तो कर सके। धैर्य रखिए माता, मैं देखता हूं। चलिए काकराज। अमात्य, आप यहां? कौन हो तुम? अमात्य, कदाचित आप मुझे पहचान नहीं पाए। कौन हो तुम, साफ साफ बताओ। मायावी? हाँ अमात्य, किंतु आज आपका वो अनुचर नहीं आया? जीवित रहता तो अवश्य आता, किंतु हमारे महाराज भयासुर किसी को भी बार बार अवसर नहीं देते। अर्थात? अर्थात यही कि हमारे अनुचर तुमसे जितनी भी बार बालक लेकर गए, उनमें से कोई भी बालक उस वनैला के समक्ष दो क्षण से अधिक न टिक सका। परिणाम स्वरूप हमारे महाराज ने उसे मृत्यु उपहार दे दिया। यदि मैंने भयासुर को अप्रसन्न किया तो स्वर्ण मुद्राएं तो जाएंगी ही, कदाचित मैं काल के गाल में समा जाऊंगा। मुझे सावधान रहना होगा। मायावी, अगर सच में तुम्हारे पास कोई ऐसा बाल योद्धा है जो वनीला को टक्कर दे सके तो कह दो, अन्यथा हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। अमात्य, आप निश्चिंत रहे, आप निश्चिंत रहे अमात्य। आज मायावी आपको यहाँ से रिक्त हाथ नहीं जाने देगा। अर्थात मायावी, आज तुम वनीला के झुड़ का बालक लेकर आए हो? हाँ अवश्य अमात्य। उत्तम।
कहाँ छुपा है ध्रुत भाग? बाहर निकल, अबोध बच्चों का शिकार करता है तू। बाघ नहीं मूषक है मूषक। अगर तुझ में साहस है तो काग भुशंडी से सामना कर। प्रभु निकट ही खड़े हैं, अगर ये बाघ आक्रमण करेगा तो प्रभु मुझे बचा लेंगे। किंतु किंतु वो बाघ बाहर क्यों नहीं आ रहा? अर्थात मेरा संदेह सत्य निकला। किंतु प्रभु, इतनी लताड़ और उल्लाहना देने के पश्चात भी प्रभु वो बाघ बाहर नहीं निकला। पता नहीं प्रभु किस निर्लज्ज प्रजाति का है। अदृश्य प्रजाति का है ये बाघ, इसलिए तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अर्थात प्रभु? अर्थात बालकों का भक्षण करने वाला बाघ इस वन में है ही नहीं। तो फिर कहाँ है प्रभु? अब कहिए अमात्य, इस हष्टपुष्ट बालक को देखकर अब आप क्या कहेंगे? है ना ये वनीला के जोड़ का? किंतु मायावी, ये बालक भी अगर वनीला के समक्ष नहीं टिक पाया तो क्या उत्तर देंगे हम हमारे महाराज को? अमात्य, आप संदेह को एक ओर रखकर मुझ पर विश्वास तो कीजिए। ये बालक स्थूल और बलशाली है, एक दृष्टि इसके कठोर शरीर पर तो डालिए, से अखाड़े से उखाड़ फेंकना सरल नहीं होगा। मायावी पकड़ो से। बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी, बचाओ मेरी रक्षा करो, बचाओ बचाओ कोई रक्षा करो मेरी, कोई बचाओ मुझको, बचाओ 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 कोई रक्षा करो मेरी। ये तो किसी बालक के रोने का स्वर प्रतीत होता है काकराज। फिर क्या प्रभु, वो बाघ उस बालक के पीछे पड़ा हुआ है, शीघ्र चलिए प्रभु। अब तो मुझसे दूर नहीं भाग सकता चतुर बालक। ओर से उस बच्चे का स्वर आया था प्रभु, किंतु वो बालक हमें दिख क्यों नहीं रहा? लगता है प्रभु वो बालक निकल गया, अगर वो होता तो हमें सहायता के लिए अवश्य बुलाता। किंतु प्रभु बाघ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु वो बाघ उन झाड़ियों में छिपा है, प्रभु वो देखिए वो दुष्ट बाघ, इस काल विषणी से नहीं बचेगा ये, बस प्रभु।
किंतु ये कैसे संभव है? वन में किए गए निरीक्षण से स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ कोई बाघ नहीं, फिर वो झाड़ियों में कैसे हो सकता है भला? ये ले, ये कागुसंडी का लट। मत मारो मुझे, मैं हूं मैं। कौन मैं? मैं हूं गुरुकुल का आचार्य। किंतु आचार्य, आप इन झाड़ियों में क्या कर रहे थे? अरे मैं उस सिंह के आक्रमण के भय से यहां छिप गया था। आचार्य जी, आपने उस सिंह को पुनः देखा? हाँ हाँ, अभी अभी यहीं पर ही था। मुझे अब जाना होगा, उपचार की आवश्यकता है। प्रभु, आपने तो कहा था कि जंगल में कोई सिंह नहीं है, किंतु इस सिंह ने उस बालक को खदेड़ दिया और आचार्य जी उसके भय से झाड़ियों में छुप गए। प्रभु, यह क्या रहस्य है? यह रहस्य उद्घाटन में शीघ्र करने वाला हूं। इस मायावी ने मुझे भी यहां पे उलझा के रख दिया। अगर मैं शीघ्र ही वनिला के जोड़ का बालक लेकर खड़े नहीं पहुंचा तो आज महाराज भयासुर के हाथों मेरी मृत्यु भी निश्चित है। मायावी, मायावी, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने कर दी? अमात्य, अभी ये सब पूछने का समय नहीं है। आप ये लीजिए। वो बालक इसी में है, अब आप इसे यथाशीघ्र महाराज के पास ले जाएं, अन्यथा महाराज कुपित हो सकते हैं। ठीक है मायावी, मैं तुमसे जल्दी ही मिलता हूं। उस कौवे जैसे दिखने वाले प्राणी ने मानो मार मार के मेरे प्राण ही निकाल दिए। छोड़ूंगा नहीं उसे। किंतु प्रभु, हम आचार्य की कुटिया में कर क्या रहे हैं? कागराज, आपने कभी आचार्य की दाढ़ी ध्यान से देखी? हाँ प्रभु, देखिए, किंतु क्यों? क्योंकि उनकी दाढ़ी में तिनका है और हम वही तिनका ढूंढने आए हैं। कागराज, वो दाढ़ी का तिनका। ये रहा वो तिनका काकराज। किंतु प्रभु, ये किसी का लंबा केश है? किसी के नहीं काकराज, उसी आचार्य के, और ऐसे केश असुरों के होते हैं। अर्थात आचार्य ऋषि के वेश में मायावी असुर बन के घूम रहा है? हाँ काकराज, मुझे तो उसी समय संदेह हो गया था जब ऋषि ने मुझे अपने हाथ दिखाए थे और ये कहा था कि उन पर एक बाघ ने आक्रमण किया है। किंतु वो कैसे प्रभु? क्योंकि उनके हाथ पर एक ही स्थान पर एक चिन्ह था। क्योंकि जब बाघ आक्रमण करता है तो एक नहीं अपितु तीन खरोंच के चिन्ह होते हैं, क्योंकि बाघ अथवा सिंह उनके नग
ऊपर से तीन ऐसे और नीचे के दो नख ऐसे मुड़े हुए होते हैं। किंतु प्रभु, प्रश्न ये उठता है, वो मायावी असुर यहाँ क्या करने आया है? वही कार्य जो आचार्य बाघ की कथा रचकर सुना रहा है। किंतु मुझे संदेह है काकराज कि उसी ने वो बालकों की हत्या की है। संभव ही वो बालक कहीं और होंगे। किंतु प्रभु, ये कैसे ज्ञात होगा? वो भी ज्ञात हो जाएगा। अब मुझे युक्ति से कार्य करना होगा। मेरे 100 मुहर इस नए बालक पे और मेरा दांव सदा की भांति इस वनेला पर। महाराज विश्वास कीजिए, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ये बालक वनेला को कुशलता से टक्कर देगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा शरीर तो रहेगा किंतु तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। स्मरण है ना मैंने कितने लोगों के प्राण लिए हैं? जी महाराज। महाराज, चमत्कार हो गया महाराज। वाह, बहुत अच्छे बालक, बहुत अच्छे। आज पराजित कर दो इस वनेला को। मेरी एक शास्त्र मुद्रा है इस गांव के बालक पर। बोलो कौन लेगा मेरा दांव? मेरे 2 सहस्त्र मुहर धर्म दत्त पर। महाराज, आज यहाँ पर ऐसा दांव लगने वाला है जो किसी भी राज्य में नहीं लगा होगा महाराज।